हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त डीजे संजय जोशी और आज फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिशियन संजय जोशी में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको गारंटी से बता देता हूं कि चार शार्पी है पीछे, आप 8-10-12 जितनी भी आपके पास है अलग अलग मॉडल की शार्पी लाइट है। अगर आज आप भी मेरी तरह अगर पायलट या मिनिपल यूज़ नहीं करते हो प्रोग्राम के अंदर, आज भी आप DMX 512 यूज़ करते हो और आपके मन में एक सवाल रहता है कि मेरे पास अलग अलग मॉडल की शार्पी लाइट है और वो एक जैसी नहीं चलती, तो वो क्यों नहीं चलती? आप सोचते मुझे पायलट लेना पड़ेगा, मिनिपल लेना पड़ेगा, वो हमको चलाना आता नहीं है, इतना हमारे पास समय नहीं है। तो दोस्तों आज मैं आपको DMX 512 से अलग अलग मॉडल की शार्पी लाइट को चलाना सिखाऊंगा। दोस्तों बहुत ही इजी है, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करिए। आज आपको एक बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी शार्पी लाइट के बारे में, चाहे आपके पास 7R है, चाहे आपके पास 10R है, चाहे आपके पास 12R है, 15R है, अलग अलग मॉडल की जितनी भी शार्पी है आप उसको एक जैसी कैसे चला सकते हो और उस पर अच्छे से पेज कैसे बना सकते हो, बहुत ईजी है। मैं आपको दोस्तों सच बता रहा हूँ, आप खुद पीछे देख सकते हो कि अलग अलग कलर भी डाला हुआ है, कितनी अच्छी लग रही है। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये जो वीडियो आप देख रहे हो वो आपको कैसा लगा। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए, आज आप कुछ ना कुछ अच्छा सीख के जाओ, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह साउंड के बारे में जानकारी देता रहता हूँ। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त आपका नहीं लिए हुए मैं आपको बता दूँ कि ये जो वीडियो है ये मैं आज काफ़ी टाइम के बाद बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैं साउंड के अंदर व्यस्त था, प्रोग्राम के अंदर लाइव प्रोग्राम में व्यस्त था, और आज मैंने थोड़ा टाइम निकाला कि आप सभी लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, सर आजकल आपका वीडियो आता नहीं है। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त नहीं लिए हुए मैं हूँ आपका दोस्त डीजे संजय जोशी, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। गाइस अब जैसे कि देख सकते हो कि ये हमारा एक 12R का बॉक्स है और सामने जो चार शार्पी है वो जो सेंटर के अंदर दो है वो 7R है और साइड में दोनों 12R है। ये अपना DMX 512 है, कनेक्शन में आपको बता देता हूँ बहुत ही ईजी है। यहाँ से हमने आउटपुट लिया है जो केबल आती है मेल फीमेल XLR की, ये दोनों DMX 512 है। यहाँ से हमने आउटपुट लेके सीधा हमने जो फर्स्ट नंबर शार्पी है इसमें हम इनपुट करेंगे। ये एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, चार शार्पी आपके पास जितनी भी है, चाहे वो 12R है, 10R है, अलग अलग मॉडल की है, तो आप अपने हाईएस्ट मॉडल के हिसाब से उसको रख दीजिए। जैसे अगर सबसे बड़ा मॉडल आपके पास 15R है, फिर 12R है, तो ऐसे ऐसे आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास चाहे 4 7R है, चाहे 4 9R है, चाहे 10R है, जो भी है, मैं आपको ये वाला एक नॉर्मल पैटर्न बता रहा हूँ, इस पैटर्न के हिसाब से आप काम कर सकते हो, इस पैटर्न के हिसाब से आप काम कर सकते हो और अपना शार्पी को DMX 512 से रन करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो अपना केबल था वो ये रहा, ये हम डाल देंगे जो एक नंबर शार्पी है उसके इनपुट में, ये हमने डाल दिया इनपुट। भाई हम यहाँ से आउटपुट लेंगे और इसमें इनपुट डालेंगे, तो वो भी बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले हम इसमें इनपुट डाल देते हैं, ये हमने इनपुट डाल दिया और इस वाली शार्पी से आउटपुट निकला और इस वाली शार्पी में इनपुट चला गया। तो ऐसे आपको जोड़ना रहेगा कंटिन्यू, फिर यहाँ से हम आउट लेंगे, इसमें इनपुट करेंगे, फिर यहाँ से आउट लेंगे, इसमें इनपुट करेंगे। जल्दी से हम ऐसा कर देते हैं, बहुत ईजी है। ये हमारे पास केबल है, पहले हम इसमें इनपुट डाल देते हैं और जो दूसरी साइड वाला पोर्शन है वो हम लाइट में इनपुट कर देते हैं, मतलब यहाँ से आउट हो गया और इसमें इनपुट चला गया। तो तीनों लाइट अपनी जुड़ चुकी है, कुछ ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं है। अब जो लास्ट अपने पास केबल रहेगी वो केबल मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से आउट निकालेंगे और जो लास्ट वाली शार्पी है इसमें हम इनपुट कर देंगे। ये केबल है, इसमें हम इनपुट कर देंगे, जो बहुत ईजी रहने वाला है। तो चारों शार्पी लाइट अपनी जुड़ चुकी है। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसमें हम पावर सप्लाई देंगे। तो पावर सप्लाई देंगे तो सबसे पहले पावर सप्लाई क्या देना है, ये आप देख सकते हो, पीछे का सारों का बैक पैनल है और ये आगे से फ्रंट पैनल है सभी का, ठीक है। तो हम इसमें पावर सप्लाई देते हैं, इसको ऑन करते हैं। दोस्तों आप जैसा कि फ़र्क देख सकते हो कि अपने चारों शार्पी एक जैसी नहीं चलने वाली। आप बोलोगे सर उम्मीदों पे पानी मत फेरो, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं इसलिए नहीं चलने वाली कि हमने ऑन किया उसमें भी अपने को पता चल रहा है कि सबका जो अभी जो स्टार्टिंग मोड होता है लाइट का वही चेंज है। जो सेंटर के अंदर 7R है उनका जो एक पोजीशन है वो अलग है, इन दोनों का पोजीशन अलग है, इन दोनों का पोजीशन अलग है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी लेफ्ट राइट की बात करें, हम एक और हेड को छोड़ देते हैं, हेड इसको बोलते हैं, ये चाहे एक और कैसा भी रहे, अगर हम इसके जो ये वाला इसका जो नीचे वाला बेसमेंट है वो एक जैसा नहीं आ रहा है, मतलब ये इसका इस तरफ है और ये इसका इस तरफ है, तो अपने को सबसे पहले इसको लाइट को अपने को कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा। तो चेंजिंग इन द सेंस ये है कि आपको 12R को छेड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हेड जैसा पड़ा रहने दो। ये 12R ऐसा पड़ा है, फ्रंट में डिस्प्ले है, ये भी फ्रंट में डिस्प्ले है, हमने को दोनों की जो बीच वाली लाइट है उसमें अपने का थोड़ा डायरेक्शन चेंज करना है। तो चेंज कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, अपने को दोस्तों इसका डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन चेंज करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने चारों लाइट के अंदर एक DMX कोड प्रोग्रामिंग दिया हुआ है जो बहुत ईजी है। आपको जैसे मैंने पहली वाली लाइट को D001 दिया हुआ है, मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ,
यहाँ पे आप देख सकते हो ये D001 है, आपको दिख रहा होगा ये D033 है, तो हम इसको D01 के बाद में D017 होता है, तो 17 हम कर देते हैं, ये 17 हम कर देते हैं अभी, जो बहुत ईजी है, ये 17 हो गया। फिर 17 के बाद में और उसमें हम ऐड करेंगे, उसको 33 कर देंगे। आपको ऐसे इंटरवल से चलना है जितनी आपके पास लाइट है, तो ये हमने 33 कर दिया, और 33 के बाद में हम फिर इसमें 16 का डिफरेंस करके ये 49 पहले से ही है, तो ये पहली ये होगी 49, ये 33, ये 17 और ये D0, ये आपको कोड प्रोग्रामिंग इसके अंदर देना पड़ेगा। अब हम इसकी पोजीशन की बात करते हैं, ये दोनों अलग पोजीशन में, तो इसकी पोजीशन अपने को दोनों इनकी और इनकी सेम करनी है। आपको ये पहला बात ये ध्यान में रखना है, इसकी ये वाला जो पार्ट है इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन सेम करनी है, तो आपको क्या करना रहेगा, इसको आपको घुमाना पड़ेगा। तो घुमाना कैसे, जो बहुत ईजी मैं आपको बता देता हूँ, आपको लाइट को इसका पोजीशन ऐसे चेंज करना है, दोस्तों आप देख सकते हो कि इन दोनों का पोजीशन ये वाला पार्ट सेम हो चुका है, ठीक है। अब अपने को सेम इसी तरह इसके अंदर भी इसका पोजीशन अपने को चेंज करना पड़ेगा, इसको भी हम इस तरफ घुमा देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि जो मैंने जो जिस पोजीशन का आपको बोला था वो चेंज हो चुका है, ये वाला इसका जो लेफ्ट राइट का जो पोजीशन होता है, ये वाला और ये वाला दोनों एक जैसे हो गए, तो चारों लाइट की ये चीज़ देखो आप, ये सब सेम है। इसका मतलब ये है कि अब अपनी लाइट मोस्टली जो पहला पार्ट है वो क्लियर है कि अपनी लाइट एक जैसी रन होगी। अब कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने DMX 512 को ऑन किया है, ऑन करते ही आप देख सकते हो कि चारों की पोजीशन एक जैसी हो गई है। आप जैसे देख सकते हो ये चारों शार्पी है, चारों शार्पी एक जैसी हो चुकी है जैसे मैंने अपने DMX 512 को ऑन किया। तो अब इनको रन कैसे करेंगे, तो दोस्तों आप इसको नॉर्मल भी चला सकते हो, बट मैं आपको इसमें पेज बनाना बता दूंगा आज, अभी एक पेज बनाना सिखा दूंगा मैं आपको, उसके बाद में आप अपने घर पे मेहनत करके और पेज बनाइए। दोस्तों ये अपनी चार शार्पी है, 2 12R 2 7R, पोजीशन आप देख लीजिए, ये अपना DMX 512 है और एक ये भी है, दोनों एक जैसे है, कोई फ़र्क नहीं, बस कंपनी का फ़र्क है। तो सबसे पहले अपने इसमें एक प्रोग्राम बनाते हैं, एक पेज बनाते हैं, तो उसके लिए आपको प्रोग्राम को दबा के रखना है, ठीक है। अब मेरे काफ़ी तो अभी इसमें बैंक बनी हुई है, 101 है, तो जो मेरी बैंक खाली है उसमें एक मैं बैंक बना लेता हूँ। आप चाहे जरूर नहीं है मेरे जैसे बनाओ, आप 102 103 कोई भी बैंक में बना सकते हो, 10 नंबर 9 नंबर, ये मेरे 110 बैंक आपकी, ठीक है। तो मैं सबसे पहले अपनी चार शार्पी को मैं सेलेक्ट कर लूँगा, तो जैसे ही मैं चार शार्पी को सेलेक्ट करूँगा, जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, आपके पास और ज़्यादा शार्पी है तो 5 6 आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, वो कोड प्रोग्रामिंग के लिए। अगर आप D001 पे चालू चलाते हो तो आपको एक ही सेलेक्ट करना है, मैंने प्रोग्रामिंग कोड दिया था जैसे आपको पता है 1 17 33 और 49, तो ये मैंने चार सेलेक्ट कर लिया। अब मैं 2 और 3 नंबर स्लाइड को सटर डीमर को ऊपर करूँगा, तो आप देख सकते हो चारों शार्पी में लाइट आ चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हो चारों में लाइट आ चुकी है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है कि अपने को एक पेज जो नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूँ जैसे वाइट के अंदर ही बता रहा हूँ, तो अब अपने को क्या इसको मूव करना है, तो अपने को पेज इसमें आना पड़ेगा, सेकंड में मैं इसको दबाऊंगा, उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको चारों को एक जैसे चलाना है। तो अब मैं इसको पहले ऊपर की पोजीशन दे देता हूँ, मैंने इसको थोड़ा ऊपर की तरफ पोजीशन दे दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने कितना दिया है, 60 70 71 दिया, आप 70 आपके अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब मैं उसमें एक पोजीशन और डालता हूँ मैं अपने हिसाब से, मेरे को जिस तरफ चलाने में उसके, मैं अभी सामने से बना रहा हूँ तो आप सामने से देख लीजिए, मैं लेफ़्ट से राइट करूँगा, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो 41 है, ठीक है 41, तो मैं 41 से मैं लेके जाऊँगा इसको, 41 से मैं लेके गया हूँ इसको, आप जैसे देख लीजिए, मैं फिर मीडी एड दबाऊँगा और एक नंबर दबाऊँगा, ठीक है। इसको मैं वापस नीचे करूँगा, आप इसमें डिस्प्ले में देखते रहिए मैं कितना कर रहा हूँ, फिर मीडी एड दबाऊँगा, 2 नंबर दबाऊँगा, फिर मैं वापस इसको इस तरफ करूँगा, फिर मैं मीडी एड दबाऊंगा, फिर मैं 3 नंबर दबाऊंगा, फिर मैं वापस इसको इतना नीचे करूंगा, फिर मैं मीडी एड दबाऊंगा, फिर मैं 4 नंबर दबाऊंगा। तो ये अपना प्रोग्राम बन चुका है, अब उसके बाद में अपने को प्रोग्राम को वापस दबा के रखना है, ठीक है, दबा के रख दिया हमने, और उसके बाद में अपने को ब्लैकआउट दबाना है और अपने को मिक्सर को बंद करना है और ऑन कर देना है। तो ये अपना प्रोग्राम सेव हो गया, अब इसको वापस अपने को चलाना है, तो आपने जो भी बैंक बनाया था, मैंने 10 110 बनाया था, तो मैं 110 नंबर बैंक पर जाऊँगा, 110 नंबर बैंक में, फिर मैं ऑटो है ना, यहाँ पे देखो एक लाइट नहीं आ रही, तो मैं दबाऊंगा तो ऑटो आ जाएगा इसमें, जैसे आप देख सकते हो ऑटो आ गया। अब अपने को इसको स्पीड को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे तो लाइट अपना मूव होने स्टार्ट हो गई, जैसे आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो जो हमने बैंक बनाया था चारों लाइट एक जैसी चल रही है, आप मुझे बता सकते हो कि कोई में भी फ़र्क नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज वाला वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा साउंड वाले बाइक के साथ में शेयर कीजिए,
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। आप सभी को पता है कि इसी तरह मैं साउंड के बारे में जानकारी देता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त डीजे संजय जोशी। जय हिंद, जय भारत, राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।